अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है ना बुध है और हमारी है क्लास, और हुसैन जो है अभी फुल डे क्योंकि स्कूल जाता है। हुसैन के स्कूल के माशाल्लाह चार राउंड लग जाते हैं, तीन मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। 4:30 बजे हुसैन को छुट्टी होनी है, लेकिन क्लास ख़त्म होती है 5 बजे। तो लेकिन मैं ना अब क्लास जल्दी करूँगी ख़त्म, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पेरेंट्स नहीं छोड़ना लेना होता, किसी और को बच्चा नहीं देते। तो मैं फिर जल्दी आऊँगी, मैं हुसैन को ले लूँगी। आज हमारे पास मौसम बड़ा ही अच्छा, 2 स्टूडेंट्स ये जा रही हैं मेरे आगे आगे, और बादल इतना सारा आया हुआ है ना आज, कि आज जो है ना सुबह भी बारिश हुई है। जब मैं हुसैन को लंच के लिए लेने गई थी तो बारिश, उम्मीद है आज भी होगी। स्कूल हमारा बिल्कुल करीब है और लैंग्वेज बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है इसका, कोई इंग्लिश से किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और ये स्पेनिश है भी ऐसे, इनको इंग्लिश आती भी हो तो ये नहीं बोलते, स्पेशली हॉस्पिटल्स में और सब जगह। अभी चलते हैं क्लास लेते हैं। और जो लोग मुझे कह रहे थे कि जब आपके स्कूल में इजाज़त नहीं है आपने वीडियो क्यों बनाई, तो मेरी टीचर जो है ना, मैं हर दफ़ा जाऊँ तो वो मुझे भी कहती है मेरी भी वीडियो बना लो, क्लास फुल होती है तो मैं फिर हेजिटेट करती हूँ। इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, तो मैंने उनकी परमिशन से ही वीडियो बनाई थी, आज भी बनाई तो बनाऊंगी भी। चलते हैं जी, क्लास लेते हैं। और अभी तक ज़फ़र और हुसैन का कुछ पता नहीं चला, हुसैन का पासपोर्ट भी नहीं आया, और ज़फ़र की छुट्टी भी जो है ना वो अभी तक कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। जिस दिन होगा वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। चलें जी अभी क्लास लेने पर मिलते हैं। मैंने मेरी अटेंडेंस कौन लगाएगा फिर अगर मैं जल्दी निकली? मैं क्लास में आई, मैं लेट नहीं, बहुत हमारी क्लास शुरू हुई है, मैं लेट हो गई। चलें जी, अभी मैं ना हुसैन के स्कूल पहुंच गई हूँ, अभी बारिश भी ना हो जाए रास्ते में। अभी सबसे पहले हुसैन को स्कूल से पिक करती हूँ, हुसैन अभी अंदर होगा, अंदर से जाके लेना होता है बच्चों को। और बस मैं अभी हुसैन को पिक करके फिर आपसे मिलवाती हूँ। चलें जी, हुसैन को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है, और हुसैन को थोड़ी सी अभी खांसी और फ्लू सा हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी यहाँ बहुत मुश्किल है, हर काम आपने खुद करना है। माशाल्लाह चौथा तो स्कूल का राउंड ही है, फिर अपनी क्लास भी थी। अब क्लास 15 मिनट पहले छोड़नी पड़ी हुसैन को लेने के लिए, क्योंकि ये बच्चा नहीं देते किसी और को। 3 लोगों के नाम लिखे हुए, बस वही ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो बस कुकिंग, हर काम, बच्चों को छोड़ना, लेना, उठाना, खिलाना पिलाना, लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल, बहुत बिजी, इसीलिए वेट भी कम होता है यहाँ पे। देखो काम बहुत करने पड़ते हैं। मैं नॉन स्टॉप कोई 8:15 बजे से स्टील चल लूँ, और इस टाइम 4:30-5:45 हो रहे हैं इवनिंग के। तो अभी चलते हैं जी घर, और फिर आपसे मिलते हैं। खाने में आज बन रही है जी तड़के वाली दाल, और ये पीली दाल है, मूंगी की दाल है, और इसके अंदर बस मैंने कुकर में रखी थी क्योंकि क्विक बन जाती है, 5-7 मिनट लगते हैं। मैंने इसमें प्याज और सारे स्पाइसेस, नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और एक टमाटर डाल के ना बस इसे वेट लगाया 8 मिनट का। अब थोड़ा सा बस इसे मैं, थोड़े से प्याज और टमाटर इसमें मैश हो जाएंगे, फिर हम ऊपर से इसको अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का लगाएंगे तड़का। तो दाल रेडी होगी, और ये बड़ी अच्छी तरीके से घोट के आपने हलीम इस तरह से बनाई, बड़ी अच्छी दाल बनती है। अभी तड़का लगाते हैं। चलें जी, यहाँ पर तड़का हो रहा दाल के लिए रेडी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया मैंने, हरी मिर्च एक बड़े साइज की काटी है, और साथ थोड़ा सा ना कुटा हुआ जीरा और गरम मसाला जो है ना वो डाला है। बस इसको लगाएंगे हम तड़का दाल को, और दाल में और क्या क्या डालेंगे वो मैं दिखाऊंगी। भी बस अदरक लहसुन, हरी मिर्च और कुटा हुआ गरम मसाला है इसमें। माशाल्लाह जी, दाल बहुत ही अच्छी रेडी हो गई है, मैंने तड़का भी लगा दिया इसको, और इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया, यानी कि जो ड्राई किया हुआ था ना हरा धनिया, वो थोड़ा ओरिगैनो, और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी ऐड की है। और ये दाल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बनी, कलर बड़ा अच्छा है। चलिए जी, अब हम खाएंगे सब लोग खाना, और फिर आपसे मिलेंगे। चलें जी, खाने से फ्री होके ना मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हुए थे, हयाम देखे ना सॉक्स जो है ना वो तय करके, वहाँ मैंने उसको दी थी तय करो, उसने वहाँ फेंकी हुई है नीचे। अभी जो है ना सारी जो है वो लॉन्ड्री फोल्डिंग चल रही है, यहाँ भी कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े हैं। अभी कुछ मैंने गर्मियों वाले वापस रखने हैं, कुछ अब हुसैन की कबर्ड सेट करनी है, ये मैं काम कर लूँ ज़रा।
चलें जी, कपड़े मैंने सारे समेट लिए हैं और आज बस बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हयाम सोफे से गिर गई है। हयाम के जो है ना, नाक में से भी काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, होंठ भी फट गया, नाक भी इस जगह से फट गया और सारा ना दांत लगे हैं इस जगह पे होंठ के अंदर। तो फेस पे भी ना काफ़ी स्वेलिंग हुई हुई है। अभी आई हुई है मेरे पास ही, बैठी थी मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी क्योंकि ना उसका फेस यहाँ से भी काफ़ी होंठ स्वेल कर गए हैं और नाक में से भी ना काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। एक्चुअली मैं स्कूल से आई हूँ, हुसैन को लेकर क्लास लिया, ऐसे सोफे पर बैठी फीडर पी रही थी, एकदम बस स्लिप हुई है। एक सेकेंड, मानो आजो आजो आजो, क्या हुआ, आजो। तो बस वो स्लिप हुई है, तो बस हयाम को आज काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। सारा दिन फिर समझ में भी नहीं आया वीडियो क्या बनाऊँ क्या करूँ। बहरहाल अभी कपड़े वगैरह सब समेट लिए, दो दिन से लॉन्ड्री की हुई थी, फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। अब सारी कबर्ड सेट की है, बेडशीट चेंज की है, बस सारा दिन रूटीन के बच्चों के साथ ना बस भाग दौड़ में। आजकल मैं इतना थक जाती हूँ, एक तो मेरी एनर्जी बहुत डाउन हुई हुई है, एक जफर और हुसैन वाला अभी कुछ नहीं बन रहा। आज तो ना समझ लें कि बहुत ही मायूसकुन जो है ना वो दिन गुजरा है, मायूसी बहुत हो गई है, समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ प्लान्ड है तो दो चीज़ों का क्यों इशू आ रहा है, हुसैन और जफर की वजह से। बहरहाल होपफुली सब उम्मीद के, मायूसी गुनाह है, मायूस वैसे होना नहीं चाहिए। तो यह कि अभी मायूस नहीं है, अभी कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज बस हयाम की टेंशन में ना, और इतना इसका खून निकला, टिशू के टिशू भर गए, नाक में से काफ़ी ब्लीडिंग हुई होंठ पे, बस ना बहुत ज़्यादा। आपको पता है बच्चों की तकलीफ वैसे ही नहीं देखी जाती है। तो बस उम्मीद है होपफुली कि इसी वीक में, अभी क्योंकि वर्किंग डेज हैं दो, इसी वीक में उम्मीद है कि जफर और हुसैन का जो है ना वो पासपोर्ट्स का और छुट्टी का इशू हो जाएगा इंशाल्लाह रिजॉल्व, और जो जो बुकिंग्स हमारी हुई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है ना वो सारे काम कर लेंगे। तो आज स्कीना की भी तबीयत नहीं ठीक है, हयाम के गिरने से ठीक नहीं है, हुसैन को भी ज़रा खांसी और फ्लू सा हुआ है। बस यहाँ के क्योंकि हवा ठंडी है ना, बच्चे इसलिए ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हाथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, मेडिसिन अब जो डॉक्टर ने दी थी ना वो काफ़ी सूट की हुई है। तो बस अभी सब चाय पी रही है, मैंने अपना रूम सेट किया हुसैन को क्योंकि सुलाना है, हुसैन ने फिर सुबह स्कूल जाना है, तो अभी बस हुसैन को सुलाते हैं। मैंने कुछ विशेज़ देनी है, और सबसे ज़रूरी बात जो है इंडिया में, क्योंकि दिवाली और इंडिया से हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो जो लोग भी इंडिया से मुझे देख रहे हैं या किसी पूरी दुनिया के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं, तो आप सबको जो जो लोग दिवाली मना रहे हैं, आप सबको हैप्पी दिवाली, और बहुत सारी ऐसी खुशियां देखें, सेलिब्रेट करें। हमारी क्लास में भी हैं इंडिया से काफ़ी सब हमारे जो हैं क्लास फेलोज, तो वो भी आज काफ़ी ज़्यादा ना लगा के आए हुए थे, तैयार हुए हुए थे, कलरफुल उन्होंने कुर्ते पहने हुए थे, कलरफुल बिंदियाँ लगाई हुई थी काफ़ी। आज हम फिर उन्हें भी ना दिवाली विश करके आए। तो बहरहाल मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को जो जो भी दिवाली मना रहे हैं हैप्पी दिवाली, और मेरी बड़ी प्यारी फॉलोअर है उनका रिश्ता पक्का हुआ है, उन्हें भी अभी करेंगे विश। मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, हुसैन को सुला लें। तो आज मुझे बहुत टेंशन हुई हुई थी, एक थकावट बहुत हो गई, एक हुसैन और जफर की वजह से परेशानी है, तो एक हयाम की वजह से बन गई। बस ना एक यहाँ ज़िंदगी जो है चल सो चलना होता है। तो बस मैं समझ में आज कुछ नहीं आया, बारह लेनी हो अभी बच्चों को सुलाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं अपनी ना रिंग्स रख रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, मैंने ऑर्डर की थी ये, देखें बो वाली कितनी प्यारी रिंग है, ये बहुत ही क्यूट है। एक मेरी ये रिंग, एक मैंने ना ये बड़े ही शौक से मंगवाई है, ये आई एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे वो मैंने दो तीन ना लोगों को पहने हुए देखा है, एक तो यूके की प्रिंसेस को, और आई थिंक टाइटैनिक मूवी में भी यही थी शायद काफ़ी। और इस रिंग की शाइन बहुत करी, मुझसे खुल नहीं रही है, मैंने कोशिश तो की थी कि खोल के आपको दिखाऊं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। ये रिंग देखिए कितनी मेरी प्यारी है, ये बहुत प्यारी है, दो मैंने ऑर्डर की थी, ये मेरी मैं पाकिस्तान से लाई थी, ये रिंग भी ना बड़े बड़े स्टोन्स वाली बड़ी अच्छी लगती हैं, ये रिंग भी बहुत ही प्यारी है। पता नहीं अब कैमरे की जो है ना लाइट वो सही दिखा पा रही है कि नहीं, लेकिन ये तीनों रिंग्स ना मुझे बहुत ही पसंद है। चलें जी, ये थी आज की वीडियो, सुबह हो चुकी है और हुसैन को मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ। हयाम सो ही नहीं सकी, हयाम को टेम्परेचर भी हो गया हुआ, और हयाम के नाक से जो है ना वो अभी तक ब्लीडिंग ना ठीक नहीं हो रही। तो अभी जो है फिर कुछ टोटके वगैरह भी किए हैं, मेडिसन्स भी दी हैं, लेकिन बस अभी जस्ट ना अम्मी के साथ अंदर चली गई है। कोशिश तो करेंगे कि हयाम सो सके, लेकिन अभी ना बस उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं आज यही सोच रही थी कि पहले अम्मी को इतनी चोट लग गई कि अम्मी की सारी जगह ना नीली काली हुई पड़ी है, फिर जफर और हुसैन के पासपोर्ट का इशू, छुट्टियों का इशू बन गया, अब एक नई मुसीबत आ गई, हयाम को बैठे बिठाए इतनी चोट लग गई,
होंठ भी स्वेल होकर यहाँ आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा ना, हयाम का भी बड़ा मसला बना हुआ है। मेरा खैर सुख रखें, सदका वगैरह भी दिया है, नज़र भी उतारी है, काफ़ी कुछ किया, लेकिन जो नसीब में लिखा हो होना वही होता है। बाकी मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है इंडिया से, परमजीत कौर, उनका भी अभी रिश्ता पक्का हुआ है, उनको और उनके फियांसी राहुल को, आप दोनों को इंगेजमेंट बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जोड़ सदा सलामत रहे, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें, हमेशा खुश रहें, सदा सुहागन रहें और खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी गुजरे। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हयाम थोड़ी सी बेहतर होती है तो वो भी आपको ज़रूर विश करेगी। हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ लव। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। सब हयाम के लिए दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा अम्मी का भी ये निशान बेहतर हो जाए, ज़फ़र और हुसैन वाला मसला भी रिजॉल्व हो जाए। बस एक के बाद कोई ना कोई मसला, परेशानी, मुसीबत आई ही हुई है 2-3 दिन से फिर, बट कोई बात नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।